हेलो फ्रेंड, मैं संदीप मौर्य, आप सभी का स्वागत है क्रेजी नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द बताने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है माँ। माँ का पर्यायवाची शब्द होता है मातृ, माता और जननी। माँ का पर्यायवाची शब्द होता है मातृ, माता, जननी। और हमारा दूसरा शब्द है मद। तो मद का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार, गर्व, अभिमान। मद का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार, गर्व, अभिमान। हमारा तीसरा शब्द है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नारेन, नरपत, राव, भूपाल। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नारेन, नरपत, भूपाल। हमारा चौथा शब्द है रात। तो रात का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, रात और रजनी। रात का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, रात्रि और रजनी। हमारा पांचवा शब्द है यम। यम का पर्यायवाची शब्द होता है जीवनेश। यम का पर्यायवाची शब्द होता है जीवनेश, जीवनपथ, अंतक। यम का पर्यायवाची शब्द होता है जीवनेश, जीवनेश, जीवनपद और अंतक। हमारा छठा शब्द है मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द होता है केकी, सिखी, केकी, सिखी, शिखंडी, ध्वज। सेखी, सिखी, शिखंडी, ध्वज। और हमारा सातवां शब्द है वस्त्र। तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर, अंबर, चीर, पट, कपड़ा। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है अंबर, चीर, पट और कपड़ा। और हमारा आठवां शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है बिटप, बिटप और हमारा बिटप, अगम, पादप और रुख। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है बिटप, अगम, पादप और रुख। हमारा नवा शब्द है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है पद्मा, इंद्रा, क्षीरोद। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है पद्मा, पद्मा, इंद्रा, क्षीरोद। और हमारा दसवां शब्द है भमरा। तो भमरा का होता है मधु, आली, भौरा। दसवां शब्द है भौरा। भमरा, भमरा का होता है मधु, आली, भौरा।